लगाने के लिए जो मसाले में इस्तेमाल किया जाता था वो उड़द की दाल के पानी का इस्तेमाल किया जाता था। और आज के ज़माने में तो सीमेंट है गाइस, तो उससे इतना मजबूत नहीं होता है। और इस साइड चलते हैं, ये खुला एरिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखाते हैं आपको। ये देखिए सामने गाइस, ये सामने और इस साइड भी देखिए, ये पूरा ईंटों से बना हुआ है। यहाँ पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यहाँ पे ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, कई ईंट का इस्तेमाल और यहाँ पे चूने का, या मतलब जो मैं बता रहा हूँ उड़द की दाल का इस्तेमाल किया गया है। उड़द की दाल के पानी को मसाले में डाल के इस्तेमाल किया जाता था, जो मसाला बनता था मतलब ईंटों के पीस से जो मसाला बनता था उसको, उसमें उड़द की दाल का पानी डाला जाता था। और चलते गए इस आगे, और यहाँ पर देखिए ये खुला एरिया है गाइस, महल का, जो जहांगीर का महल था वहाँ पे ये खुला एरिया है, जो सर्दी में काम आता था। वह यहाँ पर मतलब धूप धूप के लिए यहाँ पर जहांगीर मतलब बैठा करते थे, सब लोग बैठा करते थे, उनकी फैमिली के सारे सदस्य। और ये देखिए गाइस, दीवार पे जो खूबसूरती दिखाई गई है, मतलब पत्थर के अंदर काफ़ी खूबसूरत बनाई गई है। ये देखिए डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत लग रही है गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। और सो गाइस, यहाँ पे देखिए ये डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत लग रही है, मस्त लग रही है देखने में। और गाइस ये देखिए सामने, ये ओपन नहीं है, ये सामने बंद कर दिया गया है, ताकि मतलब पीछे से घूम के, पल्ली साइड से घूम के आ जाते हैं। और यहाँ पे दरवाज़ा बंद है इसका। और चलते गाइस आगे, आपको आगे और भी दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी मतलब ये रूम बने हुए हैं, यहाँ पर उनके आदमी थे, जो उनके सैनिक थे, जो उनके मतलब ख़ास आदमी थे, वो लोग यहाँ पर रहते थे। और यहाँ पर देखिए पूरा खुला एरिया गाइस, ये देखिए यहाँ पर ये पूरा खुला एरिया है, यहाँ पर जो सर्दी में काम आता था, मतलब यहाँ बैठा करते थे उनके फैमिली के सारे सदस्य, यहाँ पर मतलब धूप लिया करते थे सर्दी में बैठ के। और ये देखिए इधर भी एक मतलब रूम दिया गया है छोटा सा, यहाँ पे भी एक जो रूम दिया गया है छोटा। और इनके दरवाजे, कुछ दरवाजे बंद हैं यहाँ पर, मतलब काफ़ी चीज़ें बंद कर दी गई हैं गाइस। जैसे ही देखिए यहाँ पर ये एरिया बंद कर दिया गया है, सामने आपको दिख रहा है ये एरिया बंद कर दिया गया है, पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर भी ये देखिए ये बंद है, ये रूम है कोई शायद, अंदर तो दिख नहीं रहा है, पर ये बंद कर दिया गया है इस टाइम। और यहाँ पर देखिए जो अलवारी टाइप बनाया है उन्होंने, यहाँ पर भी कुछ अलग है, मतलब पूरे महल में, पूरे किले में मतलब अलग चीज़ें दिखेंगी आपको, काफ़ी अलग चीज़ें हैं। और चलते गए इस आगे, और यहाँ पर देखिए अब बाहर की साइड आ चुके हैं फिर से, ये बाहर की साइड है। और ये देखिए सामने, सामने भी एक छोटा सा मतलब गेट बनाया है, सामने गेट बनाया है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है भाई। और गाइस अब दिखाते हैं आपको कुछ, ये देखिए एक लंबी सी दीवार बनी हुई है, ये सामने ये लंबी सी दीवार बनी हुई है। सो गाइस यहाँ पे एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, यहाँ से ये खिड़कियाँ जो आपको दिख रही हैं, यहाँ से एक चीज़ और दिखती है, जो शाहजहाँ का महल है, ताज महल, जो अकबर के पोते थे उनका महल है, वो यहाँ से पूरी तरीके से दिखता है। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ से, इन खिड़कियों से दिखाने वाला हूँ आपको। और गाइस यहाँ से कोई दो ढाई किलोमीटर, ढाई किलोमीटर करीब यहाँ से दूर है उनका महल, ताज महल, और जो बायड पत्थर से बना हुआ है। शाहजहाँ को बायड पत्थर और ब्लैक पत्थर बहुत पसंद था गाइस, तो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद था, तो उन्होंने अपना महल मतलब बायड पत्थर से बनाया हुआ है। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ गाइस उनका महल, ताज महल यहाँ से। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, मैंने जूम करके दिखा रहा हूँ, ये है ताज महल, और जो जमुना के मतलब हमारी जमुना नदी है उसके किनारे पे है, बिल्कुल उसके किनारे पे बना हुआ है, जो शाहजहाँ ने बनवाया था अकबर के पोते ने। ये सामने गाइस मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ पूरी तरीके से, और गाइस इससे ज़्यादा जूम नहीं हो सकता है, और थोड़ा मतलब धुंधला दिख रहा है, पर आपको दिख रहा है ताजमहल यहाँ से साफ। और यहाँ से कोई ढाई किलोमीटर की दूरी पर है ताजमहल। और ये देखिए बाहर का एरिया काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी हरियाली है भाई, और यहाँ पर यमुना नदी भी दिख रही है। तो चलते गाइस आगे, गाइस ये देखिए यहाँ पर ये लाल किले का साइड का एरिया है, जो साइड का एरिया बचा हुआ है वो मतलब इसके पीछे रोड है, जो रोड कभी मतलब आपको दिख रहा हो शायद कि मतलब गाड़ियाँ चलती हुई, पर ये एरिया इसलिए
छोड़ दिया है कि गाइस ये उस ज़माने में भी छूटा हुआ था, मतलब इसी तरीके से छूटा हुआ था अकबर, मतलब अकबर के ज़माने से, और उनके पोते थे, बेटे थे, उनके ज़माने से भी छूटा हुआ था। क्यों? क्योंकि गाइस यहाँ पे मतलब पानी भरा जाता था, यहाँ पे पानी रहता था, पानी भरा जाता था, और इस पानी में मतलब मगरमच्छों को छोड़ा जाता था और ऐसे जानवरों को छोड़ा जाता था पानी में, या कुछ एरिया ऐसा भी है कि पूरा मतलब वहाँ पानी नहीं तो ऐसे खुला रहता था ताकि कोई भी दुश्मन उनका अगर किले पे अटैक करे तो पहले उनका सामना करना पड़े, इसलिए मतलब ये एरिया छोड़ा गया था उनने। और काफ़ी ऊंची-ऊंची दीवारें हैं किले की, तो भाई दीवारों को ही फलांग के नहीं आ सकता है कोई। और हरियाली तो भाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हरियाली है भाई। और ये सामने देखिए, ये गुम्बद बनी हुई है, ये सामने गुम्बद है, और ये साइड का एरिया है किले का। और चलते गए इस अंदर। सो गाइस ये हो गया जहांगीर का महल, और अब चलते हैं शाहजहाँ के महल में। तो गाइस काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको ये जहांगीर का महल, अब चलते हैं शाहजहाँ के महल में। तो आपको शाहजहाँ के महल में लेके चलते हैं गाइस, चलिए। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है शाहजहानी महल। शाहजहानी महल 1628 से लेके 1635 में बनाया गया था। और गाइस तो चलते, ये है दरवाज़ा यहाँ से जाने के लिए। और ये देखिए, ये एंट्री गेट है शाहजहाँ के महल में, ये एंट्री गेट है। और ये बाहर का एरिया है गाइस, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत मतलब एरिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हवा बहुत अच्छी आ रही है भाई, हवा तो बहुत ही अच्छी आ रही है। और ये देखिए काफ़ी मस्त लग रहा है। तो गाइस मैं आपको एक ख़ास चीज़ बताने वाला हूँ, यहाँ देखिए ये हॉल देख रहे हो आप, ये रूम देख रहे हो आप, ये पूरी तरीके से देखिए ये रूम। हाँ, इस रूम में एक ख़ास बात है गाइस, इसमें एक बहुत अजीब बात है कि इसकी दीवारें हैं जो, इसकी दीवारें हैं पोली, इसकी दीवारें देखिए, इसकी दीवारें पोली, इसकी दीवारें पोली हैं। अभी सर्दी होती थी, जैसे सर्दी होती थी तो उस टाइम इनमें गर्म पानी भरा जाता था, मतलब ऊपर छत पे से इन दीवारों में गर्म पानी भरा जाता था। और है ना, इसलिए मतलब गर्म पानी इसलिए भरा जाता था ताकि रूम में, ताकि इस रूम में और वो थोड़ा गर्म रहे। और गर्मी के टाइम में ठंडा पानी भरा जाता था, गर्मी के टाइम में ठंडा पानी भरा जाता था इसमें रूम में। तो गाइस वो इसलिए भरा जाता था ताकि रूम में गर्मी ना हो, ताकि ठंडा पानी इसलिए भरा जाता ताकि रूम में गर्मी ना हो। और ये देखिए यहाँ पर थोड़ा वैसा दिखता है, ये पोला है, पोला है, ये पोली है अंदर से, और ऊपर से इनमें पानी भरा जाता था गाइस, छत से मतलब पानी भरने की जो मतलब जो भी जुगाड़ है वो छत से पानी भरने की है। और गाइस यहाँ पे मतलब इसमें पानी भरकर आराम से मतलब कोई सा भी टाइम गुजार सकते हो, और कोई भी मौसम चल रहा है वो मौसम गुजार सकते हो आराम से। तो गाइस चलते हैं आगे, और अब चलते हैं अंदर। गाइस शाहजहाँ की दो बेटियाँ थी, उनके भी महल हैं यहाँ पर, और उनके भी महल दिखाएंगे शाहजहाँ की बेटियों के। और ये देखिए गाइस, तो गाइस देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ सामने देखिए ये खिड़की दिख रही है, जो ये सामने जो खिड़की दिख रही है मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। और ये देखिए यहाँ पर ये खिड़की जो दिख रही है ये साइड से बंद है गाइस, ये बंद दिख रही है साइड से। और मैं पीछे की साइड से दिखाता हूँ, वहाँ से देखना कैसी दिखती है, पीछे की साइड से आपको दिखाता हूँ। और गाइस ये खिड़की है जो सामने दिख रही है, चलो पीछे की साइड से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये देखिए गाइस, तो मैं आपको पीछे की साइड से दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ से ये खुली हुई है, जूम करता हूँ थोड़ा सा अगर आपको नहीं दिख रहा हो। ये देखिए गाइस, यहाँ से ये पूरी खुली हुई है ये खिड़की, और ये देखिए यहाँ से खुली हुई है और पीछे की साइड से बंद है गाइस। बहुत अजीब बात है, और काफ़ी लोग तो देख के बहुत चौंक जा रहे हैं कि भाई ये मतलब कैसे है, और इधर से ये खुली दिख रही है और पीछे की साइड से बंद दिख रही है, बहुत अजीब बात है गाइस। तो चलते गाइस और आगे। शाहजहाँ को बायट पत्थर पसंद था, इसलिए उन्होंने बायट पत्थर से अपना महल बनवाया है। तो गाइस देखिए यहाँ पर ये जो शीशे लगे हुए हैं, यहाँ पर ये शीशे का जो दरवाज़ा लगा हुआ है, इसके अंदर ये कुछ गेट लगे हुए हैं पुराने, मतलब
किले के गेट हैं ये जो आपको दिख रहे होंगे, मैं दिखा रहा हूँ आपको, मतलब साफ तो नहीं दिख रहे हैं, शीशा बहुत गंदा है गाइस। तो ये किले के गेट हैं कुछ, और काफ़ी उसी टाइम के हैं गाइस। तो यहाँ पर ये मतलब एक तरह से म्यूज़ियम में रख दिए गए हैं, शीशे के अंदर रखे हुए हैं, ये शीशे का दरवाज़ा लगा हुआ है। और अब दिखाते हैं रोशन आरा का महल, जो शाहजहाँ की बेटी थी, शाहजहाँ की दो बेटी थी। एक ये सामने महल है जो रोशन आरा का है, जो पालकी टाइप बना हुआ है, जो पालकी होती है ना उस टाइप बना हुआ है गाइस। जो ऊपर जो इसमें लगी हुई है ना, इसके जो आपको दिख रहा है गोल्डन, यहाँ पे पहले सोना हुआ करता था, गाइस। पर वो जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेजों के टाइम में वो चुरा लिया गया। और यहाँ पर गाइस ये रोशन आरा का महल है जो शाहजहाँ की बेटी थी। और दूसरी साइड जो बाइट आपको पहली तरफ जो एरिया दिख रहा है, वहाँ पे उनकी दूसरी बेटी का ऐसा ही महल बना हुआ है पालकी टाइप। और यहाँ पर देखिएगा इस काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन भी बनी हुई है इस महल में। ये छोटे छोटे दो अपनी बेटियों के लिए महल बनाए थे शाहजहाँ ने। ये देखिएगा इस, ये देखिए जाली के जो जाली है ये पत्थर के अंदर बनाई गई है ये जाली, और काफ़ी खूबसूरत लग रही है भाई, बहुत अच्छी लग रही है देखने में। और ये कुछ जैसे मान के चलिए अलवारी टाइप बनाया हुआ है ये सारा। ये देखिए यहाँ पर देखिए जो अलवारी टाइप होती है कुछ सामान रखने के लिए, इस तरीके से बनाया हुआ है। और सामने भी ऐसा ही एक छोटा सा रूम बना हुआ है। और ये बाहर का एरिया है जहाँ से उनके पिता का ताजमहल भी शायद आपको दिख रहा हो छोटा छोटा। तो गाइस मैं आपको अच्छा का एरिया है, यहाँ पर गाइस उनके ऐसे जानवर रखे जाते थे जो भी कोई भी मतलब उनका दुश्मन और किले की दीवार को फलांग कर और इस किले में एंट्री ना कर सके। तो गाइस इसलिए मतलब यहाँ पर ऐसे जानवर उनके रखे जाते थे जो खतरनाक होते थे। और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है महल रोशन आरा का, जो उनकी बेटी थी शाहजहाँ की। चलते गाइस दूसरी साइड और आपको दिखाते हैं दूसरी साइड। और उनको गाइस उनकी बेटियों को भी बैट पत्थर बहुत ज़्यादा पसंद था, तो इसलिए उन्होंने बैट पत्थर से अपनी बेटियों के महल बनवाए। और दूसरी साइड उनकी दूसरी बेटी का महल है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए ये दरवाज़ा दिया है, यहाँ से ये दरवाज़ा है, यहाँ से अब जाएंगे और उनकी दूसरी बेटी का महल दिखाएंगे। सो गाइस ये देखिए यहाँ पर ये है खास महल, ये देखिए, ये है गाइस, ये है शाहजहाँ का बेडरूम। ये बेडरूम है शाहजहाँ का, जो मतलब शाहजहाँ अपनी वाइफ के साथ यहाँ रहते थे। और यहाँ पर देखिए उनके बेडरूम की खूबसूरती देखिए, डिज़ाइन देखिए गाइस कितनी मतलब अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छी लग रही है गाइस, बहुत अच्छी डिज़ाइन है उनके बेडरूम की। और उनके महल में मतलब उनके लिए भी एक बेडरूम बनाया गया था जो शाहजहाँ ने अपने लिए बनाया था, अपनी वाइफ के लिए बनाया था। ज़्यादातर वो अपनी वाइफ को इसी बेडरूम में मतलब रखते थे, वो रहती थी यहाँ पर उनकी वाइफ। और काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है भाई, ये देखिए कुछ फूल बने हुए हैं, जैसे कि ये देखिए ये फूल बने हुए हैं ऊपर नीचे, बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई देखने में, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये देखिए गाइस, और यहाँ पे पत्थर पे से जो जाली बनाई गई है बहुत खूबसूरत लग रही है, मतलब संगमरमर का पत्थर है गाइस जी। ये पूरे किले में जो बैट पत्थर इस्तेमाल किया गया है वो संगमरमर का पत्थर है। और इनके बेडरूम में भी जो पत्थर इस्तेमाल किया गया है ये संगमरमर का पत्थर है। और जो इस पर काम हो रहा है वो पच्चीकारी का काम है गाइस। और गाइस बताते हैं कि कहीं कहीं तो इन डिज़ाइनों में सोना लगा हुआ था जो अंग्रेज़ों टाइम में चुरा लिया गया, जो अंग्रेज़ों के टाइम में उन लोगों ने निकाल लिया गया। और काफ़ी मतलब खूबसूरत डिज़ाइनें बनाई गई हैं जो भाई हम अपने घरों में कभी नहीं कर सकते हैं, ऐसी डिज़ाइनें बनी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत है उनका बेडरूम। और गाइस जो ताजमहल है शाहजहाँ का, जो शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था वो गाइस एक म्यूज़ियम है, वो उन्होंने रहने के पर्पज़ से नहीं बनवाया था, पर वो एक म्यूज़ियम है, वो उन्होंने एक म्यूज़ियम बनवाया था। हाँ, और
ज़्यादातर शाहजहाँ यही रहा करते थे, मतलब इसी में लाल किले में जो उन्होंने अपना महल बनाया था सफ़ेद पत्थर से, मतलब संगमरमर के पत्थर से जो अपना महल बनाया था और अपनी बेटियों के महल बनाए थे, वो ज़्यादातर इसी बेडरूम में अपना टाइम गुजारते थे। और यहाँ पर जो मस्जिद है उनमें नमाज़ें पढ़ा करते थे और काफ़ी मतलब ज़्यादातर टाइम यही बिताया करते थे। और ये देखिए दीवारों पर खूबसूरती देखिए, काफ़ी रोचक खूबसूरती है, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन बनाई हुई है। तो गैस चलते हैं। गैस ये देखिए यहाँ पर ये फुहारे लगे हुए थे, ये फुहारे मतलब यहाँ पर गुलाब जल रहता था, यहाँ इन फुहारों में ज़्यादातर गुलाब जल ज़्यादा चलता था, सबसे ज़्यादा गुलाब जल चलता था। और इनमें मतलब इसके अंदर हमेशा गुलाब जल भरा रहता था ताकि कोई भी मतलब इसको छुए तो खुशबू हो जाती थी काफ़ी। और गैस देखिए यहाँ से ये देख रहे हो, इसमें से गुलाब जल यहाँ से इस शीशे के नीचे से यहाँ से और इधर जाता था। ये है अंगूरी बाग, मतलब ये जहांगीर का जो जहांगीर थे उनका अंगूरी बाग था। और गैस यहाँ पर ये अंगूरी बाग में मतलब यहाँ पे अंगूर लगते थे और इन अंगूरों को पीसकर शराब बनाई जाती थी, जो शुद्ध मतलब शराब बनाते थे। और सब राजा मतलब जितने भी राजा थे जो इस पे राज कर गए, शासन करके गए अपना, उन्होंने मतलब अपना यहाँ से मतलब अंगूरी बाग में से अंगूर पीसे जाते थे, फिर उसके बाद उनकी शराब बनाई जाती थी। और गैस यहाँ से मतलब फिर वो लोग पीते थे उस शराब को। तो ये देखिए गाइस काफ़ी बड़ा है और काफ़ी मतलब कुछ बेलें अभी भी लगी हुई हैं, जैसे ये देखिए ये बेल लगी है अंगूर की और उस साइड भी देखिए अंगूर की बेल है। और ये गुलाब जल फिर यहाँ से देखिए यहाँ पे आता था, फिर यहाँ से इन अंगूरों के मतलब अंगूरों की जो बेलें लगी हुई थी उनमें पूरी तरीके से फैल जाता था। और एक बीच में भी है, वो सामने आपको दिख रहा है, वो बीच में भी एक फुहारा लगा हुआ था जिससे अंगूर के मतलब बेलें थी जो उनको पूरी तरीके से पानी मिलता था इन दोनों फुहारों से, एक उससे और एक गैस इससे, जिसमें गुलाब जल का पानी हमेशा भरा रहता था और यहाँ से होके नीचे जाता था, तो अंगूरों के बेलों पे जाता था वो गैस। तो और चलते हैं आगे, आपको आगे भी कुछ और दिखाना है तो गैस और कुछ भी दिखाते हैं। और काफ़ी बड़ा एरिया गैस जी देखिए, ये काफ़ी बड़ा एरिया है और इसे अंगूरी बाग बोलते हैं। शाहजहाँ, जहांगीर सबसे ज़्यादा शराब पीते थे, जो जहांगीर थे वो सबसे ज़्यादा शराब का सेवन करते थे। और गैस वो अपने मतलब उनकी मृत्यु हुई, वो ख़त्म हुए, तो गैस वो कारण भी इसी यही था कि वो इसी कारण से ख़त्म हुए थे जहांगीर, और शराब का सेवन बहुत करते थे। और गैस ये है शीश महल, सामने है शीश महल गैस, और इसमें देखिए सामने शीश महल है वो आपको दिखाएंगे। ये देखिए गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है शीश महल के बारे में, 1631 से 1640 तक ये बनाया गया। और ये देखिए गाइस इसमें शीश महल दिखाते हैं आपको, शीश महल तो गाइस जी देखिए ये है सामने शीश महल, और ये शाहजहाँ के लिए बनवाया गया था। और गाइस ये शीशों के टुकड़ों से बना हुआ है, ये मतलब गिलास से बना हुआ है पूरा। और गाइस ये महल ऐसा था कि अंधेरे कमरे में भी ये गिलास मतलब चमकते थे और काफ़ी मतलब खूबसूरत दिखते थे अंधेरे में, जैसे कुछ भी उजाला ना हो तो गाइस ये बहुत ज़्यादा चमकते थे। और काफ़ी मतलब ब्यूटीफुल महल है ये शीश महल शाहजहाँ के लिए बनवाया गया था। और सामने आपको दिख रहा है जो हल्के हल्के चमक रहे हैं, ये ये शीशों के टुकड़ों से बनाया गया है, पूरी तरीके से शीशे से बना हुआ है ये। फिर छोटे छोटे इसमें शीशे के टुकड़े लगे हुए हैं जो पूरे महल में इस्तेमाल किए गए हैं, ये खास शाहजहाँ के लिए बनवाया गया था पूरे में। इसमें वाइट पत्थर और शीशे का इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। बस गैस अंदर नहीं जाने देते, ये दरवाज़ा लगा हुआ है, बस इस जाली से आप देख सकते हो यहाँ से, और ये ताला लगा हुआ है इसमें। और गैस यहाँ से आप बस इसको देख सकते हो और अच्छा दिख रहा है यहाँ से। तो चलते गैस आगे, और आगे जो भी और भी चीज़ें होंगी तो वो भी दिखाई जाएंगी आपको। तो चलते हैं, और आपको जो भी चीज़ें थी हमने पूरी तरीके से दिखाई है। और ये सामने तो आपको दिखाई है ये अंगूरी बाग है, जो गैस खास जहांगीर के लिए बनाया गया था। और सब मतलब जो भी राजा थे वो यहाँ के अंगूरों से ही मतलब शराब बनती थी, पीसकर उनको पीसकर जो शराब बनती थी उससे मतलब उसका सेवन करते थे। और ये
काफ़ी ब्यूटीफुल लगता था, क्योंकि इसमें कई कलर के मतलब ऐसी बेलें लगाई जाती थी जो बहुत अच्छी लगती थी देखने में। ये देखिए गाइस, काफ़ी ब्यूटी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और ये देखिए, ये बिल्डिंग जो बनी हुई है, ये पूरे उन्होंने अपने ख़ास आदमियों के लिए, ख़ास मतलब अपने सैनिकों के लिए ये तैयार की थी। कुछ उनकी दासियाँ थी, वो भी यहाँ रहती थी गाइस। तो ऐसे करके यहाँ पे मतलब अंगूर लगाए जाते थे। तो चलते गाइस आगे। और ये दरवाज़ा है दूसरी साइड आने का। और यहाँ से देखिए, ये सामने भी बाइट पत्थर से, संगमरमर से बना हुआ है ये। और गाइस, जो गोल्डन आपको गुम्बद दिख रही है, गोल्डन गुम्बद दिख रही है, यहाँ पर सोना लगा होता था गाइस, सोना लगा हुआ था। पर जो अंग्रेज़ों के टाइम में चुराया गया, मतलब अंग्रेज़ों ने ये सब कुछ चुरा लिया था जो सोने की लगे हुए थे। और गाइस यहाँ पर भी देखिए, ये है जहानारा। ये देखिए, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये जहानारा का मतलब उनकी दूसरी बेटी जहानारा। ये देखिए यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है जहानारा, और ये उनकी दूसरी बेटी का बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही बना है जैसा उनकी पहली बेटी का बना हुआ था, जैसा महल उनकी पहली बेटी का बना हुआ था वैसा ही ये बना हुआ है, दूसरा महल उनकी दूसरी बेटी का गाइस। और इस पे भी सोने के मतलब कुछ परतें लगी हुई थी, जो ऊपर गुम्बद है उसमें भी सोना लगा हुआ था, पर जो अंग्रेज़ों टाइम में चुराया गया। और गाइस अंदर से भी मतलब वैसा ही है जैसे उनकी दूसरी बेटी का था, ऐसे ही जहानारा का बना हुआ है। ये देखिए अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर से देखिए गाइस वैसा ही बना हुआ है, वैसे ही सब कुछ इसमें डिजाइन है। और वैसे ही ये जाली बनी हुई है जहाँ से उनके पिता का ताजमहल दिखता था, जो शाहजहाँ ने अपना म्यूज़ियम बनवाया था। और शाहजहाँ भी यही रहा करते थे, जो उनका महल, उनका बेडरूम मैंने अभी दिखाया आपको, जो सामने दिख रहा है ये दरवाज़ा है उनके बेडरूम में जाने का ये। और काफ़ी खूबसूरत इन दोनों महलों से काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है उनका बेडरूम, काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है उनका बेडरूम भाई। और उनको वाइट पत्थर, संगमरमर का पत्थर काफ़ी पसंद था, इसलिए उन्होंने अपना काम, जो भी अपना महल बनाया, अपनी बेटियों का महल बनाया, वो संगमरमर के पत्थर से बनाया था। और उनके दादा थे अकबर, उनको रेड पत्थर पसंद था। जहांगीर थे उनके पिता, उनको भी रेड पत्थर पसंद था, तो उन्होंने अपने महल बनाए वो रेड पत्थर से ही बनाए। और अब चलते गए इस आगे। यहाँ सामने जो औरंगजेब थे, औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को मतलब यहाँ पे नज़रबंद कर दिया था। ये सामने हम आपको दिखाते इस जगह का लोकेशन दिखाते हैं इस जगह की। और ये देखिए मुसम्मन बुर्ज, ये देखिए गाइस यहाँ पे मुसम्मन बुर्ज, शाहा बुर्ज ये लिखा हुआ है, जो यहाँ पे इसको मुसम्मन बुर्ज और शाहा बुर्ज बोलते हैं, जो देखिए यहाँ पर दिया गया है। ये है यहाँ पर ये एरिया, ये देखिए गाइस, ये है मुसम्मन बुर्ज। और गाइस ये है मुसम्मन बुर्ज, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत बना है भाई, और काफ़ी खूबसूरत यहाँ की डिज़ाइन है मुसम्मन बुर्ज की। ये देखिए यहाँ पे औरंगजेब ने अपने पिता को नज़रबंद कर दिया था, वो यहाँ बैठकर अपने ताजमहल को देखा करते थे, यहाँ से अपने ताजमहल को देखा करते थे। और कोई 8 साल यहाँ तक यहाँ पर बिताई थी उन्होंने, 8 साल यहाँ पर बिताई थी गाइस मुसम्मन बुर्ज में, शाह बुर्ज भी कहते हैं इसको। और ये देखिए इनके पिलर, देखिए पिलर पे जो डिज़ाइन बनी हुई है वो काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है भाई, बहुत मस्त लग रही है देखने में। और ये बीच में जो ये बना हुआ है, ये फुआरा था, जो जहाँ पर यहाँ पर मतलब शाहजहाँ के लिए, मतलब शाहजहाँ के लिए यहाँ पर गाइस उनकी वजू के लिए, मतलब वो नमाज़ पढ़ा करते थे, तो उनकी वजू के लिए यहाँ पर गुलाब का पानी मतलब दिया जाता था, गुलाब जल दिया जाता था, जो गुलाब जल मतलब गुलाब डाल के बनाया जाता था गाइस, वो यहाँ पर मतलब उनको दिया जाता था उनकी वजू बनाने के लिए। और देखिए गाइस काफ़ी खूबसूरत डिजाइन है मुसम्मन बुर्ज की, और इसको शाहा बुर्ज भी बोलते हैं। और यहाँ से बैठ कर वो अपने ताजमहल को भी देखते थे, ताजमहल को देखा करते थे वो यहाँ बैठ कर अपने। और गाइस इस साइड थोड़ा खुला एरिया है यहाँ पर, ये देखिए ये खुला एरिया है, ये ऊपर का एरिया है गाइस।
और इस साइड है मस्जिद, जो मीना मस्जिद है वो इस साइड है गाइस, ये इस साइड मीना मस्जिद है। तो इस साइड वो नमाज़ पढ़ने जाया करते थे, मतलब उनको यही काम था। आठ साल उन्होंने यही किया कि यहाँ पर वजू बनाते थे, सारा दिन यहाँ बैठते थे, अंदर भी साइड एक छोटा सा रूम है उसमें बैठा करते थे, और उसके बाद वो अपनी नमाज़ पढ़ने जाया करते थे मीना मस्जिद में। तो गाइस चलते हैं और आपको दिखाते हैं मीना मस्जिद दिखाते हैं। आ जा गाइस, इस साइड है मीना मस्जिद। और गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और दिखाऊँ आपको, ये रूम है, और ये रूम है गाइस, ये शाहजहाँ ने ही बनवाया था। और गाइस ये जो आपको दिख रहा है ये सामने, इसमें गुलाब जल का पानी आता था, मतलब गुलाब जल आता था ये ऊपर से। यहाँ पर देखिए खुला हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर खुला हुआ है नीचे की साइड, हाँ यहाँ पर गुलाब जल का पानी आता था, फिर यहाँ से होके यहाँ पे आ जाता था। मतलब कभी जैसे उनके आदमी थे, उनके सैनिक थे, उनके मतलब करीबी थे, वो लोग यहाँ पर वजू बनाना या यहाँ पर कुछ भी मतलब ऐसे करते थे, तो गुलाब का पानी यहाँ से आता था, गुलाब जल, और वो यहाँ से वजू बनाया करते थे, जो भी करना हो तो यहाँ से पानी मतलब चला करता था। और ये सामने शाह बुर्ज है, मुसम्मन बुर्ज बोलते हैं इसको, और यहीं पर उनको नज़रबंद किया गया था शाहजहाँ को, उनके बेटे औरंगजेब के द्वारा। और गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, ये देखिए ये ऊपर जाने का रास्ता है, ये ऊपर जाने का रास्ता है, और यहीं पे मस्जिद दिखाई है, जो मीना मस्जिद है वो यहीं पर है, जिसमें शाहजहाँ नमाज पढ़ने आते थे। और गाइस ये देखिए यहाँ पर दिया है मीना मस्जिद, जो मीना मस्जिद है वो इस साइड है, और यहाँ पर शाहजहाँ नमाज पढ़ने आया करते थे। मतलब उनको 8 साल ऐसा ही उनके साथ हुआ था कि वो मुसम्मन बुर्ज में बैठा करते थे। ये देखिए गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है मीना मस्जिद, ये मीना मस्जिद है, इस टाइम बंद है, ये बंद कर दी गई है यहाँ पर। मतलब ऊपर की साइड थी उनकी मस्जिद, छत पर जो उस साइड से दिख रही थी शाह बुर्ज से।